प्रसाहित भारती के प्रदेश अधिवेशन इस दूसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का विषय है हमारी साहित्यिक परंपरा और इस सत्र में इनका मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होगा। ऐसे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रवि प्रकाश के चंदानी जी हैं और दूसरे वक्ता श्री नालाल जैन जी हैं और तीसरे वक्ता प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी हैं और इसके साथ ही हमारे मंच पर उपस्थित हैं हेमंत गिल जी जो वरिष्ठ कवि हैं। मैं अब डॉक्टर नीलम राखी जी जो इंद्र साहित्य भारती की संयुक्त महामंत्री हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर रवि प्रकाश के चंदानी जी का हार्दिक स्वागत करें। जी का स्वागत करेंगे इंद्र साहित्य भारती के मंत्री पूनम माठिया। अभंजना जी से निवेदन है जी से आग्रह है कि आप हेमंत गिल जी का स्वागत करें। कुमकुम झा जी से निवेदन है कि आप हेमंत गिल जी का स्वागत इस दूसरे सत्र में प्रथम वक्ता के रूप में हमारे बीच अपना उद्बोधन रखेंगे श्री मुन्ना लाल जैन जी। मैं वैसे तो अधिकांश लोग इनसे परिचित है फिर भी मैं इनका परिचय देता हूँ। आप मासिक पत्रिका से ध्यान आ रहा है उसके प्रधान संपादक है, उस मांजली पत्रिका के भी आप संपादक हैं, मंगल विमर्श पत्रिका है उसके आप निदेशक हैं और लगभग 300 कविताओं का संग्रह है आपके पास और कहानी संग्रह भी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेख छपे हैं और इसके साथ ही अनेक संगठनों में भी आप सक्रिय हैं। दिल्ली प्रांत जैन श्रावक समिति के अध्यक्ष हैं, केशव माधव जन सेवा समिति, आर आर गीता बाल भारती, मंगल सृष्टि शोध संस्थान के आप निदेशक हैं और इंद्र प्रस्थ साहित्य भारती के आप उपाध्यक्ष हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन कर सकते हैं। अति सम्मानीय मंच और इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के आयोजक मंडल और उपस्थित साहित्य के प्राण साहित्यकारों, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ अपना बाहुबल दिखाने के लिए सेनाएं खड़ी थी। अर्जुन के मन में शंका हुई और प्रथम अध्याय में शंका को प्रस्तुत किया और 2 से 10 तक अध्याय में योगीराज कृष्ण ने बहुत समझा, नहीं समझ में आया
फिर योगीराज कृष्ण ने एक वैरत रूप दिखाया, तब समझ में आई। यही विषय हमारी साहित्य परंपरा का है। इतना विशाल स्वरूप लिए हुए यह विषय और मात्र 15 मिनट बोलने के लिए बहुत ही थोड़ी, वो स्वरूप तो हमारे पास है नहीं, फिर भी हमारा हमारी ये भारतीय और भारतीय को और हम थोड़ा सा करें तो उसमें विशुद्ध हमारा राष्ट्रीय और क्षेत्र के दृष्टिकोण से करें, उत्तरस्य यत् समुद्रस्य हिमाद्र यत् दक्षिणम् वस तत् भारत नामा भारती तत् संतति। उस अखंड भारत की बात करें या खंडित भारत की बात करें, उस साहित्य की बात करें जो साहित्य अनादि काल से परंपरा से चला हुआ हमारी नसों में रक्त लाल रक्त के रूप में अभी बह रहा है। मुझे डॉक्टर साहब का एक लेख पढ़ने को मिला, गोयनका साहब का, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा जिस प्रकार सृष्टि और ईश्वर के उद्भव का रहस्य नहीं पता, इसी प्रकार साहित्य की परंपरा का उद्गम कहां से हुआ इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। डॉक्टर साहब आपके वाक्य हैं, उनको मैं पढ़ गया था, वो मैंने उत्तर दिया। कहने का भाव यह है कि जितना भी हम इस विषय पर, इसकी परंपराओं पर समय के दृष्टिकोण से या विषय वस्तु के दृष्टिकोण से जितना भी बोलने वो थोड़ा रहेगा। शब्द साहित्य का मूल है और जो व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है उसमें उसकी अंतचेतना, उसका बुद्धि का तर्क वितर्क, उसकी संवेदनाएं, उसकी मनोवृत्ति और उसका तत्कालीन वातावरण का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर रहता है और वह भाषा के रूप में रहता है। और फिर भाषा एक नहीं है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक भाषाओं में साहित्य लिखे गए हैं। अब देव भाषा संस्कृत के लेकर हम आरंभ करते हैं, जिससे हम गर्व से कह सकते हैं विश्व की समस्त भाषाओं का उद्भव जिस देव भाषा से हुआ है, उस भाषा का जन्म अपौरुषेय रूप में भारत की इस पावन भूमि पर हुआ है और वो भाषा हमारे लिए पूजनीय है। और केवल उन बातों को केवल एकमात्र कहने से काम नहीं चलेगा। स्वयं भव सबसे पहले मनु और उसके अगर हम राज संतति के ऊपर में अनुसार चलें तो प्रियवर और उसके दूसरे भाई उनकी और ऋषियों के ग्रह शब्द ऋषि उनके पुत्र थे। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलया, क्रतु, वशिष्ठ आदि और उनकी संतति ने जो लिखा वो परंपरा हमारी रही है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी और रामायण के आदर्शों को मान करके चले तो आज तक हमारी अस्मिता में वो जड़ जमाए हुए हैं। और वो कहने के लिए जब भगवान राम ने विश्वामित्र के साथ जाकर के देखा हड्डियों के ढेर लगे हुए और उन हड्डियों के ढेर को देख करके कहा निष्ठर हीन मही करूं भुज उठा प्रण की। वो किया हुआ प्राण हमारे इस हृदय मस्तिष्क में आत्मा में आज तक समाहित है और आज वो भगवान राम जिसकी उदारता का परिचय लंका को जीतने के पश्चात
जब कहा सोने की लंका है। कितने उदार अर्थ से कहा, अभी शरणमयी लंका मम न रोचते लक्षणम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। ये मेरी परंपरा है, मेरी परंपरा, हमारी साहित्य की परंपरा उन यज्ञ कुंड के अग्नि के उन प्रबल ऊर्जा स्रोतों से निकली है जिस पर गायत्री का जन्म हुआ है। कभी सोचा? और आज तक तो लाखों वर्षों से इस सृष्टि का निर्माण हुए 1,98,39,49,121 वर्ष हो गए। कल्पना कीजिए, मेरी परंपरा का समय, मेरी परंपरा के आदर्श वाक्य, मेरी परंपरा के इस साहित्य परंपरा के उद्घोष जो हमारे प्राण हैं, क्योंकि कहा है साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज की आत्मा है, कहा है साहित्य समाज की शक्ति है, मानव विकास के विलक्षण क्षमता को धारण करने वाला साहित्य है, साहित्य हमारी धरोहर है, और इस धरोहर का विनाश करने के लिए उन विदेशी आक्रांताओं ने हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए नालंदा में 12वीं ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, मेरी साहित्य धरोहर को समाप्त करने के लिए। कल्पना करो, जब उस दृश्य की हम सोच करते हैं हमारा हृदय हमारा कंठ रुक जाता है, और कई महीने तक कई मास तक मेरी उस साहित्य धरोहर को बख्तियार खिलजी समाप्त नहीं कर पाया था। वो साहित्य जब मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन उर्दू में लिखा अंग्रेजों को गवारा नहीं आया, कल्पना कीजिए, और उस संग्रह को जलवा दिया गया, बंद करवा दिया गया, लेकिन मेरी यह धरोहर आज जिन क्रूतियों के कारण, जिन कू कविताओं के कारण, जिन कू साहित्य के कारण, कविता के कारण, नंगे साहित्य के कारण पद दलित की जा रही है, उसको नष्ट नाबूद करने का मार्क्सवाद के नाम से और अन्य प्रगतिशील साहित्यकारों के नाम से समाप्त करने का प्रयास किया, उसमें हमारा क्या कर्तव्य है, ये भी हमें आज सोचना। उसमें हमें अर्जुन की तरह गांधी उठा करके अपनी कलम रूपी